बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे क्लास 10:45 और 10:50 तक फ्री करनी है, बिकॉज वी हैव अनदर मीटिंग आफ्टर दैट। तो वी कांट वेट फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन। तो जैसे जैसे कोई आता जाएगा, ही या शी विल ज्वाइन द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। जो कल की डिस्कशन थी या फिर प्रीवियस जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर से रिलेटेड डिस्कशंस की हैं, इज देयर एनी क्वेश्चन ऑन एनीथिंग या कोई कंफ्यूजन हो, और वी शुड स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। हेलो, कोई सर कमेंट कर सकते हैं? सर सर बुक में ना वो बाउंड्री लेके जो से टॉपिक है ना, उसके अंदर वो लिखता है कि जैसे जैसे हम एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो सर हमारा जो सा है, जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो सर वो कहता है कि हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट एट वाई इज इक्वल टू जीरो, हमारा कम हो रहा है स्ट्रीम वाइज। सर ये स्ट्रीम वाइज इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही कि कैसे एक्स डायरेक्शन में वाई इज इक्वल टू जीरो पे हम कहने के वेलोसिटी ग्रेडियंट कम हो रहा है। वैसे तो टर्बुलेंट का सर ज्यादा होते हैं। एक्चुअली दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक है विद इन द सेम फ्लो रिजीम, और सेकंड है अक्रॉस द फ्लो रिजीम। ठीक है, ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसको अगर साथ ही आप रीड करते हैं जो कि बाउंड्री लेयर थिकनेस के साथ है, तो इनफैक्ट देयर इज नो वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन बाउंड्री लेयर थिकनेस एंड टेम्परेचर और वेलोसिटी ग्रेडियंट एट वाई इक्वल जीरो जस्ट एट द सर्फेस। इन दोनों के बीच में कोई वन टू वन रिलेशनशिप नहीं है कि आपकी बाउंड्री लेयर की थिकनेस अगर ज़्यादा होती है, दैट मीन्स कि आपका वाई इक्वल जीरो एट द सर्फेस ऑफ द प्लेट और वट एवर द ज्योमेट्री है, उस पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हैं, वो ज़्यादा होंगे, वो इंक्रीज होंगे। देयर इज नो वन टू वन रिलेशनशिप विद दैट। ठीक, सेकेंड, मेक इट क्लियर कि विद इन द सेम फ्लो रिजीम अगर डिस्कशन करते हैं तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन आर टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ द फ्लूइड जो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स है, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स हैं, वो डिक्रीज करते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम द लीडिंग एज टुवर्ड्स द अदर एंड। लेकिन अगर आप रिजीम चेंज करते हैं फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, देन इट्स ट्रू कि आपका जो इमीडिएटली जो वेलोसिटी ग्रेडियंट या टेम्परेचर ग्रेडियंट्स हैं वो शूट करते हैं या इंक्रीज करते हैं फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट रीजन। बट वंस यू आर विद इन द सेम रीजन तो आपका जो ग्रेडियंट्स हैं वो डिक्रीज करते हैं। अल्टरनेटली इफ यू रिमेंबर, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में एक पिक्चर दिखाता हूँ। आपकी ये आवाज आपकी क्लियर ये थी, कर डिस्टॉर्शन है सर आज। लिए फिगर 6.6 आपको शो हो रही है। यस सर, आवाज मेरी क्लियर है अभी या अभी स्टिल डिस्टॉर्शन है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। यस सर, यस सर है थोड़ी ओके। बहुत। तो अगर माइनर है आप समझ सकते हैं आवाज़ आ रही है, देन लेट्स मैनेज, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी सॉल्यूशन राइट नाउ। सो अगर आप इस फिगर में भी देखते हैं तो अगेन
यहाँ पे ये फिगर 6.6 है. फिगर 6.6 में जो जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और जो थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर है, ये दोनों साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट की हैं फॉर लैमिनर, फॉर ट्रांजिशन एंड फॉर टर्बुलेंट रीजन. इफ यू रिमेंबर, जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, दैट्स अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट, करेक्ट? यस सर. कि जो आपके जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी से और डिवाइड कर देते हैं आपके टेम्परेचर डिफरेंस जो है बिटवीन सरफेस एंड द बल्क ऑफ द फ्लूइड या टी इन्फिनिटी, देन दैट इज द लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. तो ये लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अगर लैमिनर रीजन में देखते हैं, इट डिक्रीजेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन. इट डिक्रीजेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन टिल वेयर? Till the laminar region, it reaches its maximum Reynolds number. लेकिन उसके बाद जैसे ही transition होती है, तो ये जो local heat transfer coefficient है, एकदम से shoot करता है, ठीक है? कहाँ तक? Till the turbulent region. लेकिन turbulent region में again वो decrease करना शुरू कर देता है. And why? क्योंकि जो local heat transfer coefficient है, it's minus k partial t over partial x at y equal to 0 divided by delta t. अब ये जो पैरामीटर है ये कॉन्स्टेंट है बिकॉज इट्स अ डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड टेम्परेचर एंड द सर्फेस टेम्परेचर आर द अदर वे राउंड. ये जो कंडक्टिविटी वैल्यू है दिस इज कॉन्स्टेंट बिकॉज इट्स अ नॉट फंक्शन ऑफ ग्रेट फंक्शन ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस आर द ग्रेडियंट. लेकिन ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है यहाँ पे ये अगर डिक्रीज करता है दैट मीन्स कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका लोकल डिक्रीज कर रहे हैं और वो बेसिकली हम सेम रिजीम के अंदर हम नोटिस भी कर रहे हैं. बट वंस यू जंप फ्रॉम द लैमिनर टू द टर्बुलेंट रीजन, तो उसमें क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट शूट करता है फॉर टर्बुलेंट रीजन, दिस ग्रेडियंट इज हायर देन द लैमिनर रीजन, दैट्स वाई आपका ये जो पॉइंट है एकदम से शूट करके इंक्रीज कर देता है. फॉर द रीजन क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट वहाँ पर इंक्रीज करता है. अदरवाइज अगर बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात करते हैं तो बाउंड्री लेयर थिकनेस ग्रेजुअली इंक्रीज ही करती जा रही है, लेकिन ओपोनेंट ट्रेंड है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का विद इन द सेम रीजन. इसी तरह से यहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस तो इंक्रीज कर रही है बट इनफैक्ट जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है इस सेम रीजन में वो डिक्रीज करता जा रहा है. सो रीड देम सेपरेटली विद इन द सेम रीजन एंड अक्रॉस द रीजन. ओके सर. ठीक है सर. जी सर. सर इसमें लेकिन वो स्ट्रीम वाइज सर वो किस सेंस में कह रहा है कि स्ट्रीम वाइज एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? आई एम नॉट श्योर स्ट्रीम वाइज के लिटरल मीनिंग क्या होंगे उसमें उस स्टेटमेंट में. इट तो ये भी हो सकता है कि स्ट्रीम में भी फ्लो की डायरेक्शन को या फ्लो को कह रहा हो. यहाँ पे भी फ्री स्ट्रीम ये कंसिडर किया हुआ है. Maybe it's indication of the direction of the flow. ठीक इसकी भी बात हो सकती है. I don't know exactly कि statement में उसका literal meaning क्या होंगे उस word के. But to be clear, जो उसका है कि gradient कहाँ पे determine करते हैं, this is always defined at the surface, जहाँ पे y equals 0 है. And to be clear, this is the surface where actually heat transfer due to कंडक्टिव मोड के जो आपके जो बेसिकली वेलोसिटी जीरो है तो कंडक्शन ही ऐसा फिनोमेना है जहां पे हीट ट्रांसफर होता है. ओके सर. ठीक ठीक. सो दिस इज क्लियर. लेट्स मूव विद टुडेस लेक्चर. जस्ट रिमाइंड मी दैट 145 because I have to wind up the things. जी अभी तक हमने जो discussions की हैं वो related थी external flow के. External flow means when the flow of the fluid is not through the geometry but over the geometry. कि वो जो surface होगी उसके ऊपर से उसका flow होगा, not within that geometry. तो अभी एक सेक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन रिलेटेड टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर,
And that is if the flow is internal flow, means fluid is moving through the geometry, within the geometry. So isme difference kahan pe aayega? One, the key and the most important difference is for the development of the boundary layer. If you remember, jo external flow hai, external flow mein, the flow is only bounded in one direction. ठीक वो एक सरफेस होगी उस सरफेस के ऊपर से फ्लो होगा सो फ्लूइड कैन नॉट मूव इनटू दिस सरफेस लेकिन जो दूसरी डायरेक्शन है इट्स ओपन सिंपल एग्जांपल इज फ्लो ओवर लेट्स से एयरप्लेन जो विंग्स हैं उसके ऊपर से फ्लो अगर हो रहा है तो इट्स ऑन वन साइड इट्स बाउंडेड बाय द विंग्स बट ऑन द अदर साइड देयर इज नो लिमिट टू द बाउंड्री So for such a case, the boundary layer over the surface is free to go and grow indefinitely. There is no limit कि ये जो boundary layer की thickness है, ये कहाँ तक grow करेगी और उसके बाद इसको कोई दूसरी side limit कर रही हो. Because we don't have any geometry on the other side. So it will keep on growing indefinitely in this direction. अब इसके serious consequences हैं इसके कि जो boundary layer thickness है, अगर वो वो indefinitely ग्रो करती रहती है उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं बट दैट्स फॉर द एक्सटर्नल जी सर स्क्रीन स्टक है मतलब वो शो नहीं हो रही स्लाइड्स यस सर ऐसा ही है जस्ट वन मोमेंट I imagine there is something wrong with the internet connectivity today. Ji, abhi screen show hua? Ji sir. Agar aise koi issue aata hai to immediately point it out. Agar screen show nahi ho raha ya voice mein clarity nahi hai for any reason. I imagine aaj internet connectivity thodi weak hai. सो लेट मी नो अगर कोई इशू आता है तो ये है एग्जांपल जो एक्सटर्नल फ्लो की है जिसमें जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है इट कीप्स ग्रोइंग इनडेफिनेटली टुवर्ड्स द अनबाउंडेड रीजन ठीक है बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दिस साइड बट द फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड इन दिस साइड क्योंकि यहाँ पे सरफेस है अनलाइक दिस काइंड ऑफ फ्लो जो इंटरनल फ्लो है इंटरनल फ्लो इज समथिंग लाइक फ्लो थ्रू सिलेंड्रिकल ट्यूब्स और पाइप्स और डक्ट्स जो कि नॉर्मली हमारे फॉर एग्जांपल हीट एक्सचेंजर का केस होता है विद इन द ट्यूब्स है दैट्स बाउंडेड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द ट्यूब या इवन के जो over the tubes it's also bounded by the shell of the heat exchanger these are examples of bounded flow or internal flow ab internal flow ke case mein if you just go back to your fluid mechanics to usme jo boundary layer effect hai wo dono side se grow karta hai jo lower boundary hai usse bhi effect generate hoga aur jo upper boundary hai usse bhi effect generate hoga if we consider in two dimension अगर आप इसको पाइप कंसीडर कर लें थ्री डायमेंशन में तो फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड ऑल जो पाइप की जो वॉल होगी हर तरफ से उसमें थ्री डायमेंशन में वो रिस्ट्रिक्टेड होगा बट इन इट सिंपलर टू कंसीडर इन टू डायमेंशन जो बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट है वो बिकॉज ऑफ द लोअर सरफेस उसकी वजह से भी होगी और बिकॉज ऑफ द अपर सरफेस उसकी वजह से भी होगा बट दिस बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट कैन नॉट गो indefinitely thick iski ek maximum thickness hogi boundary layer ki aur wo thickness half of the diameter of the pipe usse zyada nahi ho sakti it can maximum grow till here usse zyada nahi ho sakta usse zyada kyunki jo lower boundary hai uska bhi effect hoga aur upper boundary ka bhi effect hoga to boundary layer thickness maximum jo develop ho sakti hai wo equal to the radius of the pipe ya half of the diameter tak grow kar sakti hai so this is the maximum boundary layer thickness now this case is totally different from the external flow jahan pe ye boundary layer ki thickness hai uski koi upper limit nahi hai it can grow indefinitely
सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर दीज टू डिफरेंट केसेस सेपरेटली, और उसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी या उसके बाद जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की कैलकुलेशंस होंगी वो डिफरेंटली हमें परसू करनी पड़ेंगी. सो वी विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स, बट बिफोर गोइंग देयर इवन फॉर द इंटरनल फ्लो लेट्स सेग्रीगेट टू डिफरेंट रीजन्स. वन रीजन इज के जहां तक जो बाउंड्री लेयर है वो ग्रो करती है टिल हियर, एंड दैट इज टर्म्ड एज हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन. एंड आफ्टर दैट रीजन जो बाउंड्री लेयर है फुली डिवेलप हो जाती है, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज हाइड्रोडायनामिकली फुली डिवेलप्ड फ्लो, फुली डिवेलप्ड रीजन. फुली डिवेलप्ड फ्लो आप कॉमनली ये जो टर्म है ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ये पढ़ चुके हैं. तो जो बाउंड्री लेयर की या वेलोसिटी, लेट्स से जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो फुली डिवेलप्ड फ्लो में इट फॉलोज पैराबोलिक शेप, लेकिन उससे पहले पैराबोलिक शेप नहीं होती बिकॉज स्टिल द वेलोसिटी हैजंट रीच्ड इट्स स्टेबल वैल्यूज. अभी तक जो जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो ग्रो कर रही है और बाउंड्री लेयर वो भी ग्रो कर रही है. सो दीज आर द टू डिफरेंट केसेस. इन दिस सेक्शन वी हैव टू कंसिडर के अगर इंटरनल फ्लो है और उसमें जो फ्लो है इट्स बाउंडेड फ्रॉम ऑल साइड और एटलीस्ट फ्रॉम द टू साइड्स, तो ऐसे केसेस को हम किस तरह से डील करेंगे और इसमें जो हीट ट्रांसफर की कैलकुलेशंस हैं उनको किस तरह से प्रोसीड करेंगे. जो लेंथ है हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन की उसको हम हाइड्रोडायनामिक एंट्री लेंथ कहते हैं. नॉर्मली उसको एल सबस्क्रिप्ट एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स अ स्पेशल कैरेक्टर जो कि नॉर्मली हम इंटरनल फ्लोज के केस में हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स होंगे फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर, फॉर नसल नंबर, फॉर इस तरह से जो बाकी हीट ट्रांसफर्स के पैरामीटर्स हैं वो हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन में उनके रिलेशनशिप्स डिफरेंट हैं. एंड वंस द फ्लो इज फुली डिवेलप्ड और जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो स्टेबल हो चुकी है, जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो मैक्सिमम ग्रो कर चुकी है, और उस केस में जो ऐसे मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हैं वो डिफरेंट होंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसिडर द लेंथ बाय विच द बाउंड्री लेयर स्टिल कीप्स ऑन डेवलपिंग, एंड दैट इज टर्म्ड एज हाइड्रोडायनामिक एंट्री लेंथ. कंसिडर दिस फैक्टर. एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंटरनल फ्लोज के अंदर वो है जो कि रेनॉल्ड्स नंबर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ या डायमेंशन ऑफ द ज्योमेट्री हम यूज करते हैं. इफ यू कंसिडर कि जो ओवर द ज्योमेट्री या फ्लैट प्लेट की कैलकुलेशंस की थी रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, उसमें लेंथ का फैक्टर यूज किया था, एंड इट वॉज रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू रॉ वेलोसिटी लेंथ डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी. ये वाला रिलेशनशिप था, एंड द लेंथ वाज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सरफेस के जहां तक रेनॉल्ड्स नंबर की कैलकुलेशंस करनी है. एंड वी फिगर्ड आउट के रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो जो लेंथ पे डिपेंड करती है बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ज्योमेट्रिक पैरामीटर टू रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल फ्लोज आर फ्लो ओवर अ फ्लैट सरफेस. लेकिन जो इंटरनल फ्लोज हैं उसमें वी हैव द डायमीटर, क्योंकि उसमें फॉर एग्जांपल अगर पाइप है तो पाइप का फिक्स डायमीटर है. जो रेनॉल्ड्स नंबर की कैलकुलेशन होगी दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर, जो ज्योमेट्रिक पैरामीटर डायमीटर है. इट विल नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पाइप, रादर इट विल डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ द पाइप. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेशन फॉर इंटरनल फ्लोज. और सेकेंडली जो वेलोसिटी यूज करते हैं वो बेसिकली हम मैक्सिमम वेलोसिटी यूज करते हैं. सो दिस इज मैक्सिमम इज इंटीग्रेटेड ओवर द एंटायर रीजन, क्योंकि आपके जो वेलोसिटी है जो बाउंड्री है उनके नज़दीक डिफरेंट होगी और जो सेंटर ऑफ द पाइप है उसके अक्रॉस डिफरेंट होगी. इफ वी वांट टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव रेनॉल्ड्स नंबर देन वी हैव टू इंटीग्रेट द वेलोसिटी बिटवीन दीज एक्सट्रीम लिमिट्स, जीरो वेलोसिटी एट द सर्फेस and the maximum velocity at the center of the pipe. So we have to consider these two different parameters. One is the maximum velocity, jo ki humne flat surfaces ke liye consider nahi kiya tha,
एंड देन द अदर एन इज अदर वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक पैरामीटर और वो डायमीटर है इन केस ऑफ सर्कुलर ट्यूब्स. बट दिस डायमीटर इज नॉट द सेम फॉर सर्कुलर ट्यूब फॉर द डक्ट्स. तो जो डक्ट्स होंगे डक्ट्स के केस में वी डोंट हैव अ डायमीटर. इनफैक्ट इट्स बाउंडेड बाय द वॉल्स जो कि राइट एंगल हैं. और इन वॉल्स के केस में इफ यू गो बैक टू योर पार्टिकल टेक्नोलॉजी और जो जो फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में है तो फिर ऐसी ज्योमेट्रीज के लिए हम हाइड्रोडायनामिक डायमीटर की टर्म यूज करते हैं. एंड हाइड्रोडायनामिक डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ द डक्ट्स आर नॉन सर्कुलर ज्योमेट्रीज दैट कॉरिस्पॉन्ड टू द डायमीटर ऑफ इफ द शेप वॉज जो जो सर्कुलर है. अगर शेप सर्कुलर होती इसकी तो फिर ये डायमीटर क्या होना था बेसिकली ये वो वाला डायमीटर होगा जिसको हम हाइड्रोडायनामिक डायमीटर कहते हैं. फॉर सर्कुलर ज्योमेट्री हाइड्रोडायनामिक डायमीटर इज द सेम एज वी हैव द डायमीटर ऑफ द पाइप. बट फॉर अदर ज्योमेट्रीज लाइक डक्ट्स जो हाइड्रोडायनामिक डायमीटर है इट्स फोर टाइम्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया. जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बेसिकली डिटर्मिन कर सकते हैं बाय टेकिंग टू डायमेंशंस उनको प्रोडक्ट लेके ए टाइम्स ए इज एरिया. और जो पैरीमीटर है पैरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द लेंथ. तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक डायमीटर एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय पैरीमीटर टाइम्स फोर इससे हम डिफाइन कर लेते हैं हाइड्रोडायनामिक डायमीटर. तो जो डक्ट्स होंगी जितनी भी टाइप की होंगी या कोई दूसरी शेप आ जाती है लेट्स से इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्री तो ऐसे केस में जो हाइड्रोडायनामिक डायमीटर है इट विल बी द एरिया जो कि आपको सामने फ्लो एरिया नजर आ रहा है वो वाला टाइम्स सम ऑफ ऑल द लेंथ सॉरी डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द लेंथ जिसको हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं. हैविंग सेड दैट जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में अगेन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जो सर्कुलर ट्यूब्स हैं उसके लिए जो फ्लो रेजिम लैमिनार है दैट इज करेक्टराइज बाय द रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2300. इफ इट्स अ ट्रांजिशनल फ्लो इट्स करेक्टराइज बाय रेनॉल्ड्स नंबर बिटवीन 2300 एंड 10,000 एंड अबाउट 10,000 वी कंसिडर एज अ टर्बुलेंट फ्लो. सो जहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल नसल नंबर के फार्मूला की सिलेक्शन की एंड यू हैव टू बी क्लियर कि उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर जब कैलकुलेट करते हैं तो वो किस रीजन में लाए करते हैं एंड यू विल पिक द नसल नंबर फार्मूला अकॉर्डिंग टू द रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू. और यही बेसिकली हम एक्सटर्नल फ्लो के केस में वो कंसिडर करते हैं कि इफ़ द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द एक्सटर्नल फ्लो इज लेस दैन 5×10^5 दैट मीन इट्स अ लैमिनार फ्लो एंड इफ इट्स मोर देन 10^5 दैट मीन इट्स अ टर्बुलेंट फ्लो फॉर फ्लैट सर्फेसिस और फॉर द एक्सटर्नल फ्लो. लेकिन ये जो लिमिट है फॉर सर्कुलर ट्यूब्स और फॉर द इंटरनल फ्लो ये 2300 की है और अबाउट 2300 इट्स अ ट्रांजिशनल एंड देन इट्स अ टर्बुलेंट फ्लो. सो देन मोर देन दिस के जस्ट लाइक वेलोसिटी बाउंड्री लेयर वी हैव सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर. थर्मल बाउंड्री लेयर एक्सटर्नल फ्लोज में भी इनडेफिनेटली ग्रो करता था बट इन द इंटरनल फ्लो आर फ्लो थ्रू द पाइप्स इट ग्रोज वेरी सिमिलर टू द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर. ये जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है इट रीचेस इट्स अ मैक्सिमम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाइप एंड सिमिलरली जो थर्मल बाउंड्री लेयर है इट रीचेस इट्स मैक्सिमम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाइप. सो उससे ज़्यादा ये ग्रो नहीं कर सकती. सो दिस इज अपर लिमिट ऑफ द बाउंड्री लेयर इन द इंटरनल फ्लोज. बाकी जो शेप्स हैं वेलोसिटी प्रोफाइल की इट्स परफेक्टली हाइपरबोलिक बट इन केस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर जो टेम्परेचर प्रोफाइल्स हैं इट्स नॉट द परफेक्टली हाइपरबोलिक. इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन के जो आपके जो जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं सरफेस पे वो किस तरह की हैं वेदर इट्स फुली इंसुलेटेड और यू हैव अ कॉन्स्टेंट फ्लक्स. तो इन चीज़ों पर डिपेंड करते हुए जो टेम्परेचर की प्रोफाइल्स हैं वो डिफरेंट होगी विद इन द फ्लूइड. दीज आर द फंडामेंटल्स जो कि माइंड में रखनी होंगी टू हैव द फर्दर डिस्कशन रिगार्डिंग
के उसमें जो ही जो लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होंगे वो किस तरह से डिटरमिन करेंगे, देन नसेल नंबर कैसे डिटरमिन करेंगे, और जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर्स हैं थ्रू कन्वेक्शन वो कैसे डिटरमिन करेंगे. बट इफ यू रिमेम्बर जो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के थ्रू है जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है या फ्लक्स जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड एज लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट within the boundary layer times the difference of the temperature between surface and the fluid. Aur jab fluid ka temperature Tm hai, that is the representative, or sometimes we take the average or the mean temperature of the fluid, but this is the surface temperature. Kyunki jab bhi flow jo ho raha hoga jo kya kehte hain jo fluid flow karega aur usme heat transfer ho raha hai, so we don't have a bulk टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड जो कि कॉन्स्टेंट रहे, जो कि हम एक्सटर्नल फ्लोज के केस में तो कंसिडर करते रहे कि इट्स ऑलवेज टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, और टी इन्फिनिटी वी हैव टू टेक कि ये हमेशा ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा. बट इन द बाउंडेड फ्लो आर द फ्लो थ्रू द पाइप्स दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, क्योंकि जो टेम्परेचर की प्रोफाइल है इट रीचेज टू द कोर ऑफ द पाइप. अगर ये सेंटर तक टेम्परेचर की प्रोफाइल चली जाती है That means ये जो temperature जो entrance temperature है और जो center पे temperature ही है या after fully developed flow it will not be the same. So then we have to take sort of average or mean of the fluid temperature. तो उसके case में हम Tm use करेंगे and consider Tm is not always the case कि ये constant रहेगा if we have a fluid जिसको heat transfer हो रही है from the surface or it's transferring heat to the surface in any case. Then the local heat transfer coefficient, how we can represent it? Just like so external surfaces, it's equal to the conductivity value times the temperature gradient. And this time the temperature gradient is not partial T by partial X. Okay, X direction mein jo variations hain, wo hum ignore karte hain in case of bounded flow, at least for the fully developed flow. क्योंकि जब एक दफा डेवलप फ्लो आ गया उसके बाद जितनी भी वेरिएशंस होंगी दे विल नॉट डिपेंड ऑन द एक्स रादर देन उसमें जो वेरिएशंस होंगी वो टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन या फंक्शन ऑफ रेडियस रह जाएंगी. तो इस केस में इट्स नॉट एट वाई इक्वल जीरो, रादर वी हैव आर डिफाइंड फ्लो ज्योमेट्री और वो सर्कुलर है या कंड्यूट है. इन एनी केस हम उसको रेडियस के साथ या डायमीटर के साथ या क्रॉस सेक्शन एरिया उनकी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव पैरामीटर लेंगे. एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट इफ वी टेक रेडियस ऑफ द पाइप, क्योंकि सिमेट्रिकल होगा फ्लो टिल द रेडियस ऑफ द पाइप आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाइप, और सेंटर ऑफ द पाइप से ज्यादा डायमीटर की तरफ जाएंगे अगेन वी विल गेट बैक टू द सेम कंडीशंस. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. But this local heat transfer coefficient, it varies maximum to the fully developed flow. And after fully developed flow, jo local heat transfer coefficient, it will not vary along the x direction. Rather, its variations are only bounded towards radius hoga ya cross-sectional side hogi. Sirf us pe depend karengi. Aur ye, some of you have asked question in the previous class ke jo local heat transfer coefficient hai sometimes we represent it as x, sometime x bar and sometime h bar. In tino mein difference kya hai, wo basically difference bhi isi wajah se tha ke jo local heat transfer coefficient hai for the external flows is a function of x direction as well as y direction, and we take average towards the y direction then it's average, but still it depends on the x direction. If we integrate with the x direction as well as y direction, then we have average heat transfer coefficient, jisko h bar ke sath represent kiya tha. So similarly, jo local heat transfer coefficient hai, till the developed flow, ya jo hydrodynamic boundary length hai, wahan tak to ye depend karega towards x direction as well as towards the y direction, jo ke yahan pe radius hai. But once we have the fully developed flow, then it will be only function of the radii. और जो इसकी एक्स डायरेक्शन में वेरिएशंस हैं या फ्लो डायरेक्शन में वेरिएशंस हैं वो खत्म हो जाएंगी.
So then the local heat transfer coefficient is constant in the fully developed region, does not vary with the x. जो इसकी वेरिएशन होगी अलॉन्ग द रेडियस वो हम कंसिडर करेंगे whenever it's required. And similarly, the friction and the convection coefficients remain constant. Further, जो hydrodynamic and thermal entry lengths हैं वो हम किस तरह से characterize करते हैं कि if we have the laminar flow, तो laminar flow में hydrodynamic जो length है, entry length है, it's 0.05 times the Reynolds number of the laminar region times the diameter of the pipe. और जो थर्मल बाउंड्री लेयर लेंथ है, नॉट द बाउंड्री लेयर लेंथ, रादर द एंट्री लेंथ. एंट्री लेंथ बेसिकली जहां तक फुली डेवलप्ड फ्लो अचीव ना हो जाए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू थर्मल बाउंड्री लेयर. अगर थर्मल बाउंड्री लेयर अटेन हो जाती है तो वो जो कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ होगी इट विल बी द थर्मल एंट्री लेंथ, और अगर वेलोसिटी बाउंड्री लेयर डेवलप हो जाती है देन इट विल बी हाइड्रोडायनेमिक एंट्री लेंथ. तो वो जो हाइड्रोडायनेमिक एंट्री लेंथ है इट्स 0.05 टाइम्स रेनॉल्ड्स नंबर टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाइप, एंड द थर्मल एंट्री लेंथ इट्स 0.05 टाइम्स रेनॉल्ड्स नंबर टाइम्स प्रांटल नंबर टाइम्स डायमीटर. वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशंस, जस्ट टेक माय वर्ड्स एंड एक्सेप्ट इट, इट्स गिवन इन द बुक. तो या उसको हम प्रांटल नंबर टाइम्स हाइड्रोडायनेमिक एंट्री लेंथ उसके प्रोडक्ट के तौर पे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर द टर्बुलेंस रीजन जो हाइड्रोडायनेमिक एंट्री लेंथ है और जो थर्मल एंट्री लेंथ है दे आर ऑलमोस्ट द सेम, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट वी कैन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ईच अदर, और वो 10 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइप हम इसके साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज फेयर अप्रोक्सीमेशन फॉर द टर्बुलेंस रीजन. So, having said that, जो फिर फर्दर जो ऑब्जेक्टिव रह जाता है सारी डिस्कशन का, एंड दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर रेट्स और द हीट ट्रांसफर फ्लक्सेस व्हेन वी हैव अ बाउंडेड फ्लो. लेकिन जो इसकी टिपिकल एप्लीकेशंस आती हैं, इट्स नॉट ऑलवेज के जो फ्लो है दिस इज कन्फाइंड विद इन अ ट्यूब. Rather, जो इसकी जो जो एप्लीकेशन हैं वो फॉर एग्जाम्पल हीट एक्सचेंजर में हैं. हीट एक्सचेंजर के केस में फ्लो है इट्स आल्सो विद इन द ट्यूब एज वेल एज ओवर द ट्यूब्स, बट ओवर द ट्यूब्स पर जब डिस्कशन करते हैं तो उसमें जो शेल है शेल बाउंड्स इट. इफ दिस इज नॉट द केस ऑफ हीट एक्सचेंजर तो उसमें बाकी हम जो अनबाउंडेड एक्सटर्नल फ्लो ओवर द ट्यूब्स एंड बाउंडेड इंटरनल फ्लो हम वो भी कंसिडर कर सकते हैं. उसकी टिपिकल एप्लीकेशन हैं जैसे हमारे एयर कंडीशनर में होता है. एयर कंडीशनर में जो जो एक्सटर्नल फ्लो है इट्स नॉट बाउंडेड बाय द ज्योमेट्री, वो एयर के साथ हम बेसिकली उसको कूल डाउन कर रहे होते हैं या हीट अप कर रहे होते हैं, बट इंटरनल फ्लो जो रेफ्रिजरेंट है इट्स ऑलवेज थ्रू द ट्यूब्स और थ्रू द पाइप्स एंड इट्स ऑलवेज बाउंडेड. तो इस दोनों की डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी. ये डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है कि इंटरनल फ्लो में तो बाउंड्री लेयर की डेवलपमेंट डिफरेंटली आती है और एक्सटर्नल फ्लो में जो बाउंड्री लेयर की डेवलपमेंट है वो इंडेफिनेटली ग्रो करती है. एंड इट आल्सो डिपेंड्स कि जो ट्यूब है उसका सरफेस पे कंडीशंस क्या होंगी, और सरफेस पे कंडीशंस अगर डिटरमिन करनी है समटाइम इट्स इन आवर इंटरेस्ट कि हम उसको परफेक्टली इंसुलेट कर दें, जो कि टिपिकली हमारे स्टीम पाइप्स में होता है कि हम उसकी सरफेस जो है वो इंसुलेट करते हैं ताकि हीट लॉस ना हो फ्रॉम द स्टीम टू द एम्बिएंट कंडीशंस. और समटाइम हमारे ये भी इंटरेस्ट में होता है और वी मे एनकाउंटर सच एप्लीकेशंस के जिसमें सरफेस पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है एंड वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द हीट फ्लक्सेस जो कि उससे क्रॉस करते हैं, लेकिन हम उसकी जो कंडीशंस एंड सरफेस पे वो कांस्टेंट करना चाहते हैं और इट हैपन टू बी लाइक दिस कि वो कांस्टेंट रह जाती हैं और उसकी जी. आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है जी. जो फिर वो जो फ्लो है जो इन सच कंडीशंस के जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कंडेंस हो रहा है सरफेस पे कंडेंसेट बन रहा है तो वो फेज चेंज की वजह से जो सरफेस की कंडीशंस हैं जो टेम्परेचर है स्पेसिफिकली वो कांस्टेंट रह जाता है. दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस.
अब इन दोनों टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की कैलकुलेशंस हैं वो डिफरेंट होंगी. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ कांस्टेंट हीट फ्लक्स, और कांस्टेंट हीट फ्लक्स भी अगर कंसीडर करते हैं कि इट्स एन फुली डेवलप्ड फ्लो, तो फुली डेवलप्ड फ्लो में ये जो फ्लक्स है ये कांस्टेंट है. तो ये जो होगा जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है इन फुली डेवलप्ड फ्लो, इट्स नॉट फंक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन, दिस इज आल्सो कांस्टेंट. दैट मींस दिस डिफरेंस हैज टू बी कांस्टेंट. दिस हैपन टू बी लाइक दिस, तो उसमें जो सरफेस हीट फ्लक्स है उसको कांस्टेंट करने की वजह से ये टी एस माइनस टी एम ये कांस्टेंट हो गया. लेकिन अगर हीट फ्लो हो रहा है विद इन द पाइप, अगर हीट फ्लो हो रहा है सरफेस का टेम्परेचर और टी एम के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो हो रहा है, देन द टी एम कैन नॉट ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट. ये हमेशा ग्रो करना ही करना है बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हीट फ्लो के, जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे टेम्परेचर ये इंक्रीज करता जाएगा. दिस इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ द हीट एक्सचेंजर के अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पाइप जो फ्लूड का टेम्परेचर है वो वेरी करता है. तो अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जिसमें जो सरफेस पे हीट फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाए, सरफेस पे हीट फ्लक्स कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आपने सरफेस पे कोई ना कोई हीटर लगा दिया है जो कि हमेशा एक कांस्टेंट रेट के साथ हीट फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा है टू द फ्लूइड, या कोई ऐसा कंडेंसिंग कोई मैकेनिज्म लगा दिया कि कांस्टेंट रेट ऑफ हीट फ्लक्स के साथ वो बेसिकली हीट रिमूव कर रहा है फ्रॉम द सिस्टम. सो फॉर सच एप्लीकेशन दिस इज ऑब्वियस कि अगर ये चीज़ कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है तो ये जो जो फ्लूइड की वेरिएशंस हैं ये तो रहेंगी, फ्लूइड विल ऑलवेज वेरी जो उसका जो टेम्परेचर है. तो अगर ऐसी आ जाती है देन व्हाट अबाउट दिस सरफेस टेम्परेचर, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो सरफेस का टेम्परेचर है उसके केस में क्या होगा. तो ऐसे केस में जो सरफेस का टेम्परेचर है इट विल ऑल्सो वेरी, और वेरिएशन इस तरह से होगी कि जो नेट डिफरेंस हो टी एस माइनस टी एम का इट शुड बी अ कॉन्स्टेंट नंबर, क्योंकि बाकी जो पैरामीटर हैं इस इक्वेशन में वो भी कांस्टेंट है. सो इफ टी एम इज इंक्रीजिंग देन द टी एस हैज टू इंक्रीज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ अदर पैरामीटर्स. तो वो इस तरह से इंक्रीज करेगा कि उनके जो ग्रेडियंट्स हैं वो इक्वल होंगे, और वो ग्रेडियंट्स आप मास बैलेंस इक्वेशन के साथ भी सॉरी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के साथ एवेल्युएट कर सकते हैं. अगर आप इसको पिक्चर करना चाहें तो पिक्चर उसको ऐसे कर सकते हैं कि जो डेल्टा टी है बेसिकली इन दोनों का, एंड दैट इज द डिफरेंस ऑफ द फ्लूइड टेम्परेचर एंड द डिफरेंस ऑफ द सरफेस टेम्परेचर. तो ये जो दोनों का डिफरेंस है इट विल ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट बेसिकली क्यू एस डिवाइडेड बाय एच एक्स इसके बराबर होना चाहिए. बट द बोथ सरफेस टेम्परेचर एंड द फ्लूइड टेम्परेचर विल इंक्रीज, क्योंकि फ्लूइड टेम्परेचर इट कैन नॉट कीप अ कांस्टेंट नंबर, वो हमेशा चेंज होगा बिकॉज ऑफ द heat flow from the surface to the fluid or from the fluid to the surface depending upon ki kaun sa temperature isme zyada hai. So we may experience this kind of problems ke jahan pe jo heat flux hai wo constant ho across the geometry. Lekin ek dusri example bhi hai jahan pe jo surface ka temperature hai wo constant ho sakta hai, aur wo surface ka temperature constant hone ki typical examples hain ke jahan pe jo surface pe hai wo koi na koi phase change ho raha ho, कंडेंस हो रहा हो या वेपरेट हो रही हो जो जो फ्लूइड्स हैं, ऐसे एग्जांपल में वी मे एक्सपीरियंस अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन एट द सरफेस, वो कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर हो सकता है. और उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि इफ वी प्लॉट टेम्परेचर अलोंग द एक्स डायरेक्शन, दिस सरफेस टेम्परेचर हैज टू बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप. इफ दिस इज द केस जो फ्लूइड का टेम्परेचर है इट हैज टू इंक्रीज, कि कहीं ना कहीं तो हीट ट्रांसफर होगा वो फिर, और वो हीट ट्रांसफर फिर फ्लूइड को ही होना है, और फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता बिटवीन एंट्रेंस एंड द आउटलेट, देयर हैज टू बी अ डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर. तो वो बेसिकली नॉन लिनियरली टेम्परेचर इंक्रीज करता है एंड इट कैन नॉट क्रॉस द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस. मैक्सिमम वो सर्फेस टेम्परेचर के साथ एक सर्टन डिफरेंस तक जा सकता है, जिसको हम समटाइम अप्रोच टेम्परेचर भी कह देते हैं. लेकिन ये नॉन लिनियरिटी की वजह से इस हीट इक्वेशन की एप्लीकेशन मुश्किल हो जाती है. इट मींस के अलोंग द एक्स डायरेक्शन ये फ्लक्स हमें हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अलोंग द एक्स डायरेक्शन जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो वेरी करता रहता है. दैट मीन प्रैक्टिकली इवन फुली डेवलप्ड फ्लो के अंदर भी हम इस इक्वेशन को फिर अप्लाई नहीं कर सकते,
तो ऐसे केस में अप्लाई करने के लिए rather than using delta t, we choose to have a delta t log mean. हम basically average लेते हैं, logarithmic average लेते हैं फिर ऐसे केस में, और जो heat transfer coefficient है वो भी average heat transfer coefficient लेंगे, because there is a non-constant difference between the two temperatures, और वो basically non-linear किस्म का difference है. और उसमें जो log mean temperature difference है, delta t ln, it's log mean, या इसको natural logarithmic भी कहते हैं. और उसको हम evaluate कर सकते हैं इस इनलेट और आउटलेट के, यहाँ पे आउटलेट पे होगा, उनके टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, प्लस ये जो सरफेस का टेम्परेचर है इन दोनों के डिफरेंस की वजह से. तो ये अक्रॉस द ये जो नॉन लीनियर टेम्परेचर डिफरेंस है, फिर हम उसको एवरेज आउट कर लेते हैं बाय टेकिंग लॉगरिथमिक मीन. तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. So these are two different scenarios for the application of convective heat transfer equation for constant heat flux case and constant surface temperature. इसी तरह से जो Nusselt number की calculations हैं, Nusselt number भी एक certain length तक तो grow करता है, लेकिन उसके बाद Nusselt number की value भी constant हो जाती है for constant surface temperature as well as constant heat flux case. जी अभी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, आई इनकरेज गो बैक, आप इसको सॉल्व करें, अगर इसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो आई विल हेल्प यू आउट, अदरवाइज इस आज के लेक्चर में और इस वीक में हमें ये इंटरनल फ्लो और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को वाइंड अप करना है. जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं मैं उसकी एक रिकॉर्डिंग बना के अपलोड कर दूंगा, यू कैन हैव दैट रिकॉर्डिंग, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीक. जो कल की क्लास है, कल की क्लास में सो फार जो हमारी डिस्कशन है उससे रिलेटेड, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर से रिलेटेड जो डिस्कशन हमने की हैं उससे रिलेटेड, आई प्लान टू हैव एन असेसमेंट, आप उसकी प्रिपरेशन कर लें, मैं असेसमेंट उस पर राइट टाइम पे अपलोड कर दूंगा एंड यू विल सॉल्व दैट असेसमेंट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई हैव टू गो टू अनदर मीटिंग. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं. जी तो सर ये जो हीट एक्सचेंजर है ये शेल एंड ट्यूब टाइप होगा हमारा? हाँ जी, शेल एंड ट्यूब टाइप में भी ये होता है, और उसमें भी एक फ्लूइड शेल साइड पे है लेकिन उसके दोनों साइड पे बाउंडेड है, वो भी एक साइड पे शेल है दूसरी साइड पे ट्यूब का आउटर डायमीटर है, और जो ट्यूब्स के अंदर है वो भी बाउंडेड होता है क्योंकि उसके हर साइड पे थ्री डायमेंशन में ट्यूब का इनर डायमीटर है. तो सर हम जोन सा है वो जोन सी ट्यूब के अंदर हमारा फर्ज की स्टीम है या कोई भी लिक्विड है हमारा, तो हम उसकी जोन सी है वो बाउंड्री लेयर और उसको सारा रिप्रेजेंट करके चलेंगे आगे की तरफ. एग्जैक्टली, इंटरनल फ्लो की एप्लीकेशन ऐसे केस में आएगी, फिर उसकी जो हीट ट्रांसफर की कैलकुलेशंस होंगी वो उसके लिए जो कोरिलेशंस यूज करने पड़ेंगे वो इंटरनल फ्लो के ही करने पड़ेंगे. ठीक सर, ठीक है, ऐसे केस में ऑब्वियसली एक्सटर्नल फ्लो के कोरिलेशंस हैं हम वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो हम यूज नहीं कर पाएंगे. सर अभी आप कह रहे थे कि वो हम रेडियली चेंज आएगा इसके अंदर, सर इस पॉइंट की जरा समझ नहीं आई, थोड़ा सा बता दें. उसमें अगर आप ये आपको स्लाइड शो की है, स्लाइड नजर आ रही है, ठीक है, इसमें अगर देखें ना कि आपकी बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो बेसिकली यहाँ पे ये थिकनेस का इफेक्ट है, बाउंड्री लेयर का इफेक्ट है एक्चुअली विद इन द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर. तो इतनी इस रीजन में तो कभी भी कंडीशंस कांस्टेंट नहीं होंगी, ना इसमें हीट जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की चेंजेस हैं और सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर की चेंजेस हैं. तो इतना जो रीजन है इस रीजन में तो हमेशा कंडीशंस चेंज होंगी. yes. तो फिर कांस्टेंट क्या लेंगे, फिर कांस्टेंट बेसिकली इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं ले सकते, इस डायरेक्शन में हमेशा जो वाल है उसका इफेक्ट होगा और वो वाल का इफेक्ट होगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द लेट्स से क्रॉस सेक्शन. तो आर डायरेक्शन में हमेशा ये वेरिएशंस आएंगी विद इन द बाउंड्री लेयर थिकनेस, लेकिन वंस वी हैव फुली डेवलप्ड फ्लो तो
इस रीजन के बाद जितनी भी वेरिएशंस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ आर डायरेक्शन में तो होंगी क्योंकि बाउंड्री लेयर का इफेक्ट है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगी क्योंकि एक्स डायरेक्शन में बेसिकली वो ऑलरेडी फुली डेवलप फ्लो हो चुका है एंड देयर आर नो फर्दर वेरिएशंस इन द एक्स डायरेक्शन, ओनली द वेरिएशंस विल बी इन द रेडियल डायरेक्शन। ठीक सर, यानी सर स्टार्ट में हम एक्स डायरेक्शन में देख सकते हैं उस पॉइंट को। एग्जैक्टली इतने रीजन में बेसिकली जो वेरिएशंस हैं वो एक्स डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल यहां पे जो टेंपरेचर है, ये टेंपरेचर है इनलेट टेंपरेचर जो कि फ्लूइड का है, लेकिन यहाँ पे जो टेंपरेचर होगा इट विल नॉट बी द सेम एज इनलेट टेंपरेचर क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री लेयर का इफेक्ट है प्लस उसमें कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर भी हो चुकी है फ्रॉम द सरफेस और फ्रॉम फ्लूइड टू द सरफेस, तो वो जो दोनों टेंपरेचर्स हैं वो एक्स डायरेक्शन में भी सेम नहीं होंगे। और अगर आप इसको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को देखना चाहते हैं तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी डिफरेंट होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा वहाँ पे, तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। इसलिए जब हम चेंजेस करेंगे उसको एप्लीकेशंस में भी करेंगे, वी ओनली कंसिडर चेंजेस इन दिस साइड जो कि बाउंड्री लेयर के अंदर हैं, अदरवाइज जो एक्स डायरेक्शन में चेंजेस हैं हम उसको एवरेज आउट करके उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक सर, थैंक्स। चलेंगे सर, करंटली ये लेक्चर अपलोड कर दें।